हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं दानिश बर्क्स हैं गबल एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट में, और आज हम बात करेंगे WWE के होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक 2022 के बारे में। और साथ में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इन तमाम मैचेस हमें आज मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर देखने को मिले हैं उनकी अभी तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जितनी भी स्टार रेटिंग मिली है उसकी एक एवरेज भी निकाल के दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेंस डैगर मैच के बारे में, और ये मैच जो था वाकई में ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैच था। अगर आप ने देखा होगा पेपर व्यू के अंदर तो आप लोगों को अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ख्याल से अभी तक 2022 के अंदर जितने भी वुमेंस के मैच हमें पेपर व्यू के अंदर देखने को मिले हैं या फिर रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिले हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच मुझे तो यही लगा है। और अगर हम विनर की बात करें तो फैन फेवरेट जो लिव मॉर्गन थी वो पहली बार मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने में कामयाब हुई, और ना सिर्फ कामयाब हुई, उन्होंने आके जाके इसी कॉन्ट्रैक्ट को रंगा राव जी के ऊपर भी कैश इन किया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे के मैचेस के बताऊँ, आपको इस वुमेंस लैडर मैच की रेटिंग के हवाले से बताता रहूँ, तो अभी तक डिफरेंट सोर्सेज के मुताबिक जो इस मैच को रेटिंग मिली है वो है 3.75 की, और मेरा ख्याल से रेटिंग काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन इसको और ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि ये मैच वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। बाकी जितने मैचेस से मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर हमें देखने को मिले उनके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, मज़े का भी था, और सबसे ज़्यादा जो इसकी अच्छी बात थी वो ये थी कि विनर वो था जो कि फैंस जैसे देखता चाह रहे थे जीतते हुए। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिला था वो था यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली के दरमियान, और ये मैच जो था इस मैच के अंदर बॉबी लैशली को क्राउड की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट मिल रही थी, और क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का आपको अभी तक पता है कि विंस मैकमैन के फेवरेट तो हैं लेकिन फैंस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, और शॉकिंगली बॉबी लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी को इस मैच के अंदर हरा दिया, और अब बॉबी लैशली जो है वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन बन चुके हैं। शॉकिंग फैक्टर इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी को WWE के अंदर विंस मैकमैन बुक कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि शायद बॉबी लैशली जो हैं वो ऑस्टिन थ्योरी को ना हरा सकें और ऑस्टिन थ्योरी किसी ना किसी तरीके से अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन रखें, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी जो हैं वो आज अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप हार गए। अगर मैं इस मैच की स्टार रेटिंग की बात करूं तो इस मैच को मेरे ख्याल से अभी तक पेपर व्यू के अंदर जितने मैचेस हुए हैं उसमें सेकंड लोएस्ट रेटिंग इसको मिली है, 2.75 की रेटिंग इस मैच को दी गई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बहरहाल आप लोगों का इस मैच के बारे में क्या ख्याल है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद जिस अगले मैच की मैं बात कर रहा हूँ वो हमें देखने को मिला था रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए, और इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर और कार्मेला के दरमियान मैच था जहाँ बियांका ब्लेयर अपनी चैम्पियनशिप को डिफेंड कर रही थी, और जैसा एक्सपेक्टेड था इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर ने क्या कहते हैं कार्मेला को हरा दिया था, लेकिन एंडिंग देख के कुछ उस तरह का सीन क्रिएट हो रहा था कि शायद अभी कार्मेला और बियांका ब्लेयर की हमें आगे भी जाके मैचेस देखने को मिले। लेकिन अगर इस मैच की मैं रेटिंग की बात करूं तो इसे 2 की रेटिंग मिली थी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की अभी तक जो रेटिंग है, अगर मैंने उनको कंपेयर करके आप लोगों को बताऊँ तो इसे इसकी जो इस मैच की जो रेटिंग बन रही है वो 2.0 की है। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिला था वो था स्मैकडाउन और रॉ की अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, जहां पर उसोस जो थे वो अपने कागज़ को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट, और ये मैच हम लोग पहले भी देख चुके हैं उसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट का, लेकिन आज का मैच मेरे ख्याल से अभी तक इनके जितने भी आपस में मैचेस हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट मैच था आज का, और ना सिर्फ बेस्ट बल्कि तमाम पेपर व्यू के ऊपर यानी कि पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट के ऊपर इस मैच ने सबसे ज़्यादा रेटिंग जनरेट की है। अगर मैं विनर की बात करूं तो हमें पता है कि उसोस के पास से अभी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप कहीं जाने वाली है तो नहीं, तो इसी वजह से विनर्स तो इस मैच के अंदर काफ़ी क्लियर थे कि उसोस ही होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इस मैच की रेटिंग की बात करूँ तो 4.75 की रेटिंग इस मैच ने अभी तक जनरेट की है, और जो कि अभी तक इस पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट के जितने भी मैचेस हैं उनमें सबसे आगे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ कोई टैग टीम मैच जो है और वो भी मतलब इस तरह के पेपर व्यू के ऊपर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मैच हो जाए कि जो बाकी जो मैचेस हों जो मेन इवेंट के भी मैच हों उनसे भी ज़्यादा रेटिंग जनरेट करें। बहरहाल आप लोगों का इस मैच के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हमें अगला मैच देखने को मिला वो था स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए, जहां पर रॉन्का राउजी जो हैं वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट नेकालिया, और ये एक डिसेंट मैच था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा सरप्राइज फैक्टर जो था वो हमें इस मैच के
एंड पर देखने को मिला, जब राउंडा राउसी ने निकालिया को अपनी स्मैकडाउन चैंपियनशिप के लिए हरा तो दिया, लेकिन तभी मैच के एंड होने के बाद लिव मोगन ने आके अपना जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट था वो राउंडा राउसी के ऊपर कैश इन किया और राउंडा राउसी को किसी तरीके से रोल करके उन्होंने अपनी WWE करियर की जब से वो मेन रोस्टर पे आई हैं तब से लेके अभी तक उन्होंने कोई चैंपियनशिप नहीं जीती थी और इस वक्त आज मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर उन्होंने अपनी पहली WWE करियर की चैंपियनशिप जीत ली और राउंडा राउसी को हरा के ये अपनी चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में मोगन को WWE कितना और स्ट्रॉन्ग बुक कर सकती है। और इस मैच के एंड पे जब राउंडा राउसी ने अपनी चैंपियनशिप हारी तो हम देख सकते हैं जिस तरीके से क्राउड को उनके साथ इंगेज होते हुए जा रही थी, तो हो सकता है इसके बाद राउंडा राउसी जो है वो WWE से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लें, एग्जैक्टली जिस तरह शार्लेट फ्लेयर ने लिए। और अगर मैं इस मैच की रेटिंग की बात करूं, स्टार रेटिंग्स की बात करूं, तो इस मैच को 3 स्टार की रेटिंग मिली है, एग्जैक्ट 3.0 स्टार की रेटिंग अभी तक जो इस मैच को मुख्तलिफ एक्सपर्ट की तरफ से मिली है, तो वो 3 स्टार की रेटिंग है। बहरहाल जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो रेटिंग्स जो है ऐसी बात है अपडेट होंगी और जो ऑफिशियल रेटिंग होगी वो भी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अब मैं बात करूंगा प्रीमियम लाइव इवेंट के मेन इवेंट के बारे में जो कि मेंस का लैगर मैच था। और वैसे तो इस मैच के लिए 7 पार्टिसिपेंट्स को अनाउंस किया गया था, लेकिन जब ये मैच स्टार्ट होने वाला था उससे पहले हमें पता चलता है कि भाई इस मैच के अंदर एक और भी पार्टिसिपेंट है और वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्किन थ्यूरी है जो कि कुछ देर पहले ही अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप को लुटवा बैठे थे बॉबी लैशली के हाथों। अब उन्हें भी इस मैच के अंदर ऐड कर दिया गया और जब उन्हें इस मैच के अंदर ऐड किया गया तो फैन का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं था, बूही हो रही थी ऑस्किन थ्यूरी को। और जब ये मैच स्टार्ट हुआ तब से लेके कुछ सारों को यही था कि भाई ऑस्किन थ्यूरी ना जीत जाए ये मैच, क्योंकि जिस तरीके से विंस मैकमैन उनको बुक कर रहे हैं इस मैच के अंदर काफ़ी अमेजिंग मूवमेंट भी थे। अगर वैसे इस लैगर मैच के मेंस के लैगर मैच को देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा मैच था, लेकिन अगर हम विनर की बात करें तो विनर जो थे वहीं में ऑस्किन थ्यूरी निकले। और जो बू आप लोग जो जिस तरीके से हेट ऑस्किन थ्यूरी को मिल रही थी WWE के फैंस की तरफ से, इवन के मैं जब उसकी कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था WWE के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कमेंट सेक्शंस में पढ़ रहा था तो वहाँ भी फैंस का एक ही तरह का रिएक्शन है। और अगर मैं कंपेयर करूँ कि लिव मॉर्गन जब मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीती तब फैंस का क्या रिएक्शन था और ऑस्किन थ्यूरी जब जीते तब क्या रिएक्शन था, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद हमें इस तरह का रिएक्शन फैंस की तरफ से देखने को मिला है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर के लिए। लास्ट टाइम इस तरह का रिएक्शन जो था मेरे ख्याल से जिसे मिला था वो थे सेथ रॉलिंस या फिर 2016 के अंदर जब शेमस क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट अपना जीते थे, तब भी फैन जो थे क्योंकि शेमस के ऊपर शेमस का हील टर्न था तो फैंस जो थे वो शेमस को काफ़ी ज़्यादा बू भी कर रहे थे उस वक्त जीतने पर। खैर अगर मैं इस मैच की रेटिंग की बात करूं तो इस मैच को 4.25 की रेटिंग मिली है जो कि एक अच्छी रेटिंग है। जिस तरह का ये मैच था मेरे खास से उस हिसाब से रेटिंग मिली है, लेकिन अगर मैंने रेटिंग देनी होती तो विनर के हिसाब से मैं 4 की रेटिंग देता या 3.75 की। बहरहाल आप लोगों को ये मैच कैसा लगा और ऑस्किन थ्यूरी आप लोगों को क्या लगता है कि आगे जाके क्या ऑस्किन थ्यूरी वो बन सकते हैं पहले रेसलर जो कि रोमन रेंस को चैम्पियनशिप के लिए हराएं, क्योंकि भाई अब चैम्पियनशिप की लिस्ट में एकदम से ऑस्किन थ्यूरी का नाम भी ऊपर आ गया और जिस तरीके से विंस मैकमैन और WWE ऑस्किन थ्यूरी को बुक कर रही है तो इस वक्त कहीं ना कहीं ऑस्किन थ्यूरी जो है वो भी फेवरेट में से हैं जो कि रोमन रेंस को चैम्पियनशिप के लिए अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए हरा सकते हैं। बार दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, मिलता हूँ आप लोगों से अपनी वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।